हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल नॉलेज नोर में। दोस्तों, इंडियन रेलवे जब से ट्रेनों के प्राइवेटाइजेशन की बात की है, तब से लेकर वह जोरों शोर से इस काम में आगे बढ़ रही है। अब इंडियन रेलवेज प्राइवेटाइजेशन के नाम पर यात्रियों को एक और झटका देने जा रही है। तो चलिए जानते हैं रेलवे के तरफ से यात्रियों को दी जाने वाली इस झटके के बारे में। दोस्तों, रेलवे के इस प्लानिंग को आप झटका बोले या बेहतर सुविधा, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन रेलवे तेजस और हमसफर के बाद अब देश की सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस को भी पीपीपी मॉडल के तहत प्राइवेट कंपनी के हाथों में देने की प्लानिंग कर रही है। दोस्तों, रेलवे के अधिकारियों के मुताबिक सन 2018-19 से लेकर अभी तक कोई भी तेजस के नए रैक नहीं बनाया जाएगा। इस तरह से तेजस के स्थान पर रेलवे वंदे भारत एक्सप्रेस को पीपीपी मॉडल पर चलाने की योजना बना रही है, जिसे तेजस की तरह आईआरसीटीसी को सौंपा जाएगा। आईआरसीटीसी प्राइवेट कंपनी को यह ट्रेन चलाने को देगी, जो कि सबसे अधिक बोली लगाएगी। दोस्तों, रेलवे ने इस साल के वित्तीय वर्ष में 4 वंदे भारत एक्सप्रेस अलग अलग रूटों पर चलाने का लक्ष्य रखी है। दोस्तों, रेलवे के इस प्लानिंग को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यह ट्रेन कितना सक्सेस होगी, इसे भी जरूर से कमेंट कीजिएगा। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिए। आज के इस वीडियो से इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।